जाए ना भाई। तो ये देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पे बच्चे यहाँ पे जो अकेडमिक ब्लॉक है जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे वो यहाँ पे सारा सिस्टम है। इस तरफ से घूम के ना सर, मैं आपसे पूछ, आप उस तरफ से घूम के ना, उस तरफ से घूम के पूरा क्रॉस करो, उस तरफ से घूम लेंगे ठीक है सर। अभी जला रहे हैं ना लाइट, फिर करता हूँ मैं शुरू करके। नहीं अगर हो रहा है ठीक तो ठीक है, तो आप बताओ सर कर लें। हाँ कोई बात, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट मॉडल जो कि यहाँ पे हमीरपुर के जो सप्पड़ के साइट में प्रपोज्ड डॉक्टर आर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हमीरपुर, ये आप देख सकते हैं कि मॉडल आपके पास या एक्सक्यूज नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते, फिर से लेना जरा शॉर्ट मॉडल है हमीरपुर का जो प्रपोज डॉक्टर आर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हमीरपुर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफी अच्छी सुंदर इमारतें लग रही हैं, आप इस तरफ भी देख सकते हैं और दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, और ये रोड जो है वो जा रहे हैं, हालांकि हमारे को इस मॉडल का ज्यादा पता नहीं हो रहा है, पर फिर भी हमारे साथ डॉक्टर वर्मा जी मौजूद हैं। सर आप सबसे पहले मेरे को इस बिल्डिंग के बारे में बताइए, ये कौन सी बिल्डिंग? अच्छा देखिए ये जो सामने सड़क से नीचे हॉस्पिटल ब्लॉक है, जी जी जो हॉस्पिटल ब्लॉक है वहाँ ओपीडीज होंगी, इंडोर होंगे, कैजुअलिटी होगी और बाकी सर्जिकल डिपार्टमेंट और उसके साथ रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट वो वाला ब्लॉक है, और जो दूसरे वाला ब्लॉक है ऊपर वो अकेडमिक ब्लॉक है जहाँ अकेडमिक ब्लॉक है। तो ये जो आप देख रहे हैं बीच में नेशनल हाईवे है, एक नेशनल हाईवे से नीचे है एक ऊपर है, और इसको बाद में जो है एक ब्रिज से जोड़ा जाएगा ताकि स्टूडेंट्स जब क्रॉस करेंगे तो वो एक ब्रिज से आएंगे। सर ये मैं रोड की अगर बात करूँ यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये रोड जा रहा है ये वाले रोड की बात करूँ, ये कौन सा रोड है? ये जोल सप्पड़ की तरफ से है, अभी हम सोचे कि अभी हम अपने ये रंगस की साइड खड़े हैं, ठीक है आप सोचे ये रंगस से आ रहा है आगे है। ये उधर जा रहा है वो एक यू टर्न है, ठीक है वहाँ से एक सड़क ऊपर जा रही है अकेडमिक ब्लॉक पे, ये जो हमीरपुर को रोड है बीच में जो है रोड वो हमीरपुर को। अच्छा मतलब मैं यहाँ से बात करूँ यहाँ से और ये ऊपर से ये हमीरपुर रोड की और इस तरफ आ गया आपका नीचे का नीचे हॉस्पिटल ब्लॉक है और ऊपर अकेडमिक ब्लॉक। अच्छा वो अकेडमिक ब्लॉक और सर जो आप ब्रिज की बात कर रहे थे कि ब्रिज बीच में एक छोटा ब्रिज जो है क्रॉस के लिए वो बहुत जरूरी है जी जी, स्टूडेंट्स है उनकी सेफ्टी भी देखनी है। और सर मैं ये नीचे छोटा सा घर सा देख रहा हूँ, ये मतलब रेजिडेंस ब्लॉक मेरे को लग रहा है, सर्विस सर्विस ब्लॉक है। अच्छा ये सर्विस ब्लॉक में क्या होता है? सर सर्विस ब्लॉक में इसमें एसी की यूनिट लगेंगी, इसमें इसमें एलटी पैनल एसटी पैनल डीजल सेट वगैरह सब इसमें रहेंगे। दर्शकों मैं बता रहा हूँ कि ये आप छोटी छोटी पिंस देख रहे हैं, आई थिंक सर ये बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल है और ये हॉस्पिटल के लिए रास्ते हैं। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जो मीडिया हाउसेज रिपोर्ट्स करते हैं जो अच्छी चीज़ होती है हम अच्छी भी करते हैं, जहाँ पे कमी रह जाती है वो भी कर रहे हैं, पर यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि ये एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है जो कि हमीरपुर की जनता के लिए एक बहुत शान की बात है और पूरे हिमाचल के लिए शान की बात है। ये ऊपर सोलर लाइट्स लगी हुई है। अच्छा अच्छा सर ये जो ब्लॉक्स लगे हैं ये सोलर लाइट्स के, तो ये सर सोलर लाइट्स जो लगी हुई हैं तो ये क्या रिचार्जेबल ये हॉस्पिटल ब्लॉक को पूरा कवर करेगी? हाँ ये हॉस्पिटल ब्लॉक को ये करेगी, एकेडमिक ब्लॉक के लिए वहाँ पर, ठीक है इसमें आरओ प्लांट यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है और इसमें एसटीपी प्लांट है, पीटीपी प्लांट है, मतलब यहाँ का वेस्ट यहीं। अच्छा जैसे सर आपने एसटीपी की बात करी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो थोड़ा सा मॉडल में दिखाएंगे कि कहाँ पे ये एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी इसमें मॉडल में नहीं है, ये यहाँ पर बन रहा है। अच्छा
सर मैं सोलर जो आपने बताई ये लाइट्स लगी हैं इसका मतलब आपने बोला कि ये सोलर पैनल 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 ये पैनल क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए जनरेट के लिए। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो मतलब बिजली का खर्चा बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट पे सोलर पैनल लगा लिए गया ताकि जो बिजली का खर्चा हो वो बहुत ही कम हो। तो ये पूरा प्रोजेक्ट देखा काफी सुंदर और काफी अच्छा लगा। अभी इसके बाद हम जो ये वाला ब्लॉक है ओपीडी जहाँ पे ट्रीटमेंट्स होगा उस ब्लॉक्स में जो मैं आपको डॉक्टर साहब के साथ ले चलूंगा।